हेलो एवरीवन, मेरे चैनल एजुकेशन विद विक्की में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे जेएससी सीजीएल एसएससी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा हो उसे प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह रहा आज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन है झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन है कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, धूलकण, जलवाष्प। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धूलकण। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन फ्रीडम पार्टी, रिवोल्यूशनरी फ्रंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को क्या हुआ था कि कांग्रेस का, त्रिपुरी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, कब? तो 1939 में। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस के जो कार्यकारिणी परिषद के असहयोग के कारण सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, और कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस को जो है कि हरिहरपुर, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था हरिपुर वहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस ने हैं कांग्रेस का भी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए और बता दूं कि ये आज़ाद हिंद फौज देख रहे हैं तो आज़ाद हिंद फौज जो है उसका प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। कौन? मोहन सिंह। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज जो है उस पर क्या हुआ था कि वर्ष 1945 पर मुकदमा चलाया गया जिसे लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा भी कहते हैं, और आज़ाद हिंद फौज के सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चिली, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसमें से किसका वन जो है, वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो ऑप्शन है सिक्किम, हरियाणा, गोवा, केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है नीलगिरी, पंचमढ़ी, अगस्तमलाई, नल्लामलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नल्लामलाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 नवंबर को, 10 जनवरी को, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोलों को कहते हैं, पृथ्वी के जो चारों ओर छाए हुए गैस का जो गोला होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीवमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। तो जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। कौन सा होगा? बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महासागरों के जल के सामान्य लवणता कितनी होती है? ऑप्शन है 30%, 40%, 35%, 45%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार वरिष्ठ नागरिक का अर्थ है जिसकी उम्र हो कितना? 60 वर्ष से अधिक, 62 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक, 67 वर्ष से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है हॉकी, बेसबॉल, आइस हॉकी, वुल फाइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी। ठीक है, और बेसबॉल जो है वह कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1862 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 1862 ईस्वी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा दोस्तों ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट की गेंद का भार कितना होता है? ऑप्शन है 168 ग्राम से 172 ग्राम, 150 ग्राम से 161 ग्राम, 155.9 ग्राम से 163 ग्राम, 172 ग्राम से 180 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 155.9 ग्राम से 163 ग्राम। क्या होता है? क्रिकेट का जो गेंद होता है उसका वजन, भार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश चैनल किस देश को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है? ऑप्शन है इटली, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस। तो इंग्लिश चैनल जो है वह यूनाइटेड किंगडम को किससे अलग करता है? तो यह जो है फ्रांस से अलग करता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को किससे अलग करता है? तो फ्रांस से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 26 जून, 26 जुलाई, 22 अगस्त, 24 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई। ठीक है, यानी 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला है, यानी अशोक चक्र से प्रथम महिला को सम्मानित किया गया वह कौन सी महिला थी? तो ऑप्शन है आरती साहा, नीरजा मिश्रा, मदर टेरेसा, मेघना ईश्वरियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरजा मिश्रा। कौन सा होगा? नीरजा मिश्रा। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर